गुस्सा, डर किस बात का? डर डर होता तो इतने सारे इतनी सारी लड़कियां इतने सारे जनता क्या रोड पे उतरते क्या? हम लोगों को रातों को बदलना चाहिए, दिन को बदलना नहीं चाहिए। वी शुड चेंज आवर नाइट, वी शुड चेंज आवर थिंकिंग। हम लड़कियों को सेल्फ डिफेंस नहीं, लड़कों की सोच बदलना चाहिए। ये तो खूब दुख की बात है। सोचिए, ये सिर्फ कोलकाता बा वेस्ट बंगाल बा इंडिया का नहीं, ये पूरा वर्ल्ड में ही जस्टिस नहीं होता है, और ये सब काम पूरा वर्ल्ड में ही होता है। ये तो बहुत दुख का घटना है और इसको शास्ति होना चाहिए। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। पश्चिम बंगाल के आरजी कर में हुए उस घटना के बाद पूरे पश्चिम बंगाल या कोलकाता ही नहीं बल्कि देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा। आज पूरे पश्चिम बंगाल में जो है महिलाओं की तरफ से एक आयोजन किया था विरोध प्रदर्शन का, और खास करके इस प्रदर्शन को रात में रखा गया है, और सेफ्टी को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर, उन तमाम को लेकर इन महिलाओं ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। तमाम लोग कैंडल लेकर हैं, महिलाएं खास करके इस पूरे प्रदर्शन में शामिल है और वो प्रोटेस्ट कर रही हैं और लगातार जो है अपने इंसाफ के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठा रही हैं। आज जो है सीबीआई का पहला दिन था, सीबीआई ने अपने पहले रिपोर्ट में बहुत सारे चीज़ों को क्लियर कर दिया जिसको लगातार कोलकाता पुलिस छुपाने की कोशिश कर रही थी, चाहे वो पॉलिटिकल रीज़न हो या कुछ भी रीज़न रहा हो, मगर लगातार उसको छुपाने की एक बड़ी साजिश की गई थी। हर तरफ जो है देखिएगा कि रास्तों के दोनों तरफ, दाएं तरफ बाएं तरफ कुछ कुछ जो लोग हैं विरोध प्रदर्शन में, और सामने देखिए कि कैंडल लेकर लगातार इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अब सवाल महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से आरजी कर में 36 घंटा लगातार जो है काम करने के बाद अगर कोई महिलाएं महिला अगर रेस्ट करती है और उसके साथ इस तरह की घटना हो जाती है, तो सवाल ये भी उठता है कि देश की बेटियां किस तरह से सुरक्षित है, क्या देश की बेटियां सुरक्षित है भी कि नहीं। निर्भया में जो कुछ हुआ उसके बाद नए कानून बनाए गए, मगर उसके बावजूद रेप जैसी घटनाएं रुक नहीं रही है और रेप जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। ये पूरा विरोध प्रदर्शन को आप देख रहे होंगे कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस तरफ जो है कुछ महिलाएं आकर लगातार विरोध प्रदर्शन में जो है हिस्सा ले रही है, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर जो ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है उस विरोध प्रदर्शन को वो किस तरह से देख रही हैं और विरोध प्रदर्शन को किस तरह से मतलब और आगे लेके चल रही है। हालांकि इस पूरे मामले को सीबीआई देख रही है, आप कोलकाता पुलिस के हाथ से चीज़ें निकल चुकी है। ममता बनर्जी की तरफ से ये अश्योरेंस किया जा रहा है कि जो कुछ भी होगा उनकी गवर्नमेंट हार्डेस्ट पनिशमेंट लेने के लिए जो है कैपेबल है और हार्डेस्ट पनिशमेंट लेंगे जो भी कल्प्रिट होगा। लगातार विरोध प्रदर्शन है, काफ़ी सारे लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, सामने भी देखिए कि लोग जो है सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर आकर लोग लगातार जो है सेफ्टी को लेकर जो है बातचीत कर रहे हैं। कुछ लेडीज लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आज का जो विरोध प्रदर्शन है उसमें जो शामिल जो लोग हो रहे हैं उनको किस तरह से वो मोटिवेट करने या उनको जो है सपोर्ट करने के लिए सड़कों पर आई है। ये इस तरफ ये कंटिन्यूसली लगातार महिलाओं का एक बड़ा जुलूस, मिशिल कह सकते हैं कि निकाला गया, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, गुस्सा है, नाराजगी है, डर है, और उसके साथ ही साथ सरकार से कई सारे सवाल है। देश में मतलब जब देश आज़ादी का 78वां स्वतंत्र दिवस मनाएगा तो शायद इस बार वो धूम नहीं होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की बेटी की खून जो है शायद उस आज़ादी के चमक और दमक को ठंडा कर रही है। ये तमाम लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन के साथ साथ ये तमाम लोग कैंडल लेकर आए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए, और कुछ लोगों से हम जुड़े बातचीत करें कि पॉसिबिलिटी ये है कि जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें काफ़ी सारे जो लोग हैं वो उसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, और लगातार उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? देवाशीष पाल। देवाशीष दा, आपका उम्र कितना है? 64। क्या करते हो आप? बिजनेस करते हो। तो मतलब कि आपका 64 एज हो गया, देश बदल रहा है, लोग कहते हैं देश बदल रहा है, मगर इस बदले हुए देश में भी कोलकाता जो मतलब कल्चरल हब है ऑफ इंडिया, इस तरह की घटना हो जाती है तो मन में क्या सवाल आते हैं? ये तो खूब दुख की बात है। सोचिए, ये सिर्फ कोलकाता बा वेस्ट बंगाल बा इंडिया का नहीं, ये पूरा वर्ल्ड में ही जस्टिस नहीं होता है, और ये सब काम पूरा वर्ल्ड में ही होता है। अच्छा। सबको ही बंद होना चाहिए। अच्छा।
कलकत्ता देश को बंद होना चाहिए, पूरा वर्ल्ड को बंद होना चाहिए, वर्ल्ड को बंद होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए कि कल पूरे देश भर में आज़ादी का बात होगा, आज़ादी मनाया जाएगा, तो क्या आप आज़ादी मनाएंगे कल? हाँ मनाएंगे आज़ादी। हाँ ये तो असली आज़ादी है ना, है असली आज़ादी। नहीं नहीं आज़ादी मनाएंगे आप? हाँ क्या आज जिस तरह सड़कों पे जो विरोध प्रदर्शन ब्लड दिया है, सोचिए सुभाष चंद्र बोस, प्रफुल्ल चाकी, विनय बादल, दिनेश, कल तो इधर के भूले गए थे। तो आप कल सेलिब्रेशन करेगा? हाँ। मगर आज जो उस तरह से हो रहा है तो आपके मन में सवाल नहीं हो रहे अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर? हाँ हो जरूर होता है। तो पहले जब वो कॉलेज से जाती थी तो कितना बार उनको फोन करते थे आप? अभी तक फोन करता है, शास्त्र भवन में काम करता। अच्छा जब तक घर नहीं पहुँचते आप उनको कॉल करते रहते? हाँ वो भी करता। अच्छा जब ये पहला दिन फ्राइडे को जब ये न्यूज़ आया तो मन में पहला सवाल क्या हुआ आया? ये तो बहुत दुख का घटना है और इसको शास्ति होना चाहिए। सीएम से उम्मीद है कि जस्टिस होगा? देखिए अभी मालूम होता है इस सीएम का हाथ से निकल गया। क्या निकल गया? सिचुएशन निकल गया। तो आप क्या चाहते, क्या डिमांड है आपका? जो जो इस सब घटना घटाया उसका शास्ति चाहिए, मतलब उनको फांसी चाहिए, फांसी डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस चाहिए ना। तो विरोध प्रदर्शन लगातार आप कर रहे हैं ना, तो ये पहला रैली है या और भी बहुत सारे रैली में आए? बहुत सारे पहले रैली में आया है। मैम क्या नाम हुआ आपका? लोपा मुद्रा। अच्छा तो आप कहाँ से आए इस प्रोटेस्ट में? कलकत्ता से। कोलकाता से ही है, मतलब लोकल एरिया से हैं आप। अच्छा तो आप क्या मतलब क्या करती हैं, किस प्रोफेशन से जुड़ी हैं? आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर बाय प्रोफेशन। असिस्टेंट प्रोफेसर है। एक हफ्ता इस हीनियस क्राइम को हो गए, सीबीआई ने पहले दिन बता दिया कि गैंग रेप है, क्या लग रहा है कि कौन किसी को छुपा रहा है या सच में जो है सरकार चाहती है कि दोषी को सजा मिले? देखिए ये तो मतलब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चलेगा, लेकिन सही तरह से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये एक लड़की की मतलब इज्जत की सवाल है, ये हम सब की इज्जत की सवाल है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द एक्चुअल कल्प्रिट whoever it is should be hanged and should be punished, and punishment should be such that every person who is mentally sick, who is doing such crime, should be aware, should be afraid of even if teasing a girl. That is most important. अच्छा ये बताइए जब ये एक हफ्ते हो गई है घटना की खबर आपको मिली, इंसिडेंट का जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिला, तो डर था या गुस्सा था? गुस्सा, डर किस बात का? डर होता तो इतनी सारी लड़कियां, इतने सारे जनता क्या रोड पे उतरते क्या? कभी नहीं, दे नेवर वुड हैव कम ऑन द रोड्स इफ डर होता। अगर डर होता तो ऐसे थोड़ी ना दिखता, ऐसे तो नहीं दिखता। ठीक है डर नहीं है, सिक्योरिटी के सवाल उठे मन में। सिक्योरिटी हाँ ऑब्वियसली हम लोगों को रातों को बदलना चाहिए, दिन को बदलना नहीं चाहिए। वी शुड चेंज आवर नाइट, वी शुड चेंज आवर थिंकिंग, सोच बदलना चाहिए। हम लड़कियों को सेल्फ डिफेंस नहीं, लड़कों की सोच बदलना चाहिए। ये जो हुआ है ये क्राइम नहीं, ये तो एक मतलब दिस इज समथिंग विच आई कैनॉट स्पीक अबाउट, वी कैनॉट स्पीक अबाउट दिस इज समथिंग। 2013 में निर्भया हुआ, उसके बाद चेंज किए गए कानून काफी सारे, मगर उसके बावजूद इस तरह के क्राइम रुक नहीं रहे। इसीलिए तो बोल रहे ये पनिशमेंट ऐसा होना चाहिए कि हर कोई अगर ईफ्टीज भी करना चाहे तो उसको ये डर पैदा हो कि ईफ्टीजिंग करने से मेरा कुछ मतलब गलत होगा, ये डर फैलाना बहुत जरूरी है। जो डॉक्टर के साथ जो ये घटना, उनके परिवार वाले को क्या कहना चाहोगे आप? I have nothing to say to them. I would like to say to the family members of those who have done this crime that please don't hide them. Please don't hide them. Please let them come in front. Because you people in your family, you people, आप लोगों के घर में भी माँ बहने हैं, तो ये एक या दो फैमिली या मतलब तीन चार फैमिली की बात नहीं, उनके फैमिली में भी लड़कियां हैं, माँ बहने हैं, तो डर मतलब उन लोगों को छुपाना नहीं चाहिए। Any message to honorable CM Mamata Banerjee? Nothing. Please look into what has happened. Please look into it. We are requesting our She is a lady.
शी इज अ लेडी, शी शुड अंडरस्टैंड दैट, शी शुड अंडरस्टैंड दैट. आई मीन टूडेज मैसेज, आई थिंक इट मस्ट बी वेरी मच क्लियर टू हर वॉट हैज वॉट इज हैपनिंग एंड वॉट शी हैज वॉट एवर बाइट शी हैज गिवन वॉट एवर टिल डेट वॉट एवर हैज हैपन. आई मीन शी मस्ट लुक इन टू दिस, शी मस्ट बी इम्पार्शियल टू द इन्वेस्टिगेशन एंड she I think this rally itself, the entire Kolkata, not only Kolkata, entire world from west to east, things have changed. People are actually questioning, people are shouting, people are raising their voices. I think this is enough message for our respected chief minister. पश्चिम बंगाल की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन है, लोगों के मन में नाराजगी है क्योंकि 31 साल की एक डॉक्टर के साथ जो कुछ भी यहां पर हुआ शायद वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है. आज जो कुछ भी अपडेट आया सीबीआई की तरफ से, उन अपडेट ने शायद पश्चिम बंगाल की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े किए, यहाँ की महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े किए. पश्चिम बंगाल की सीएम भी एक लेडी है और शायद इस बात की उम्मीद लगाई जा सकती है कि सीएम अगर लेडी है तो इंसाफ जो है मिलेगा. हालांकि कहा यह जाता है कि सुप्रीम जिस तरह से सीबीआई इस पूरे मामले को टेक ओवर किया है और सीबीआई ने पहले दिन में बहुत सारे तथ्यों को क्लियर किया है और सीबीआई ने कहा है कि जो कुछ भी हुआ ब्रुटैलिटी थी और ये जो रेप वाला शब्द था उसको गैंग रेप में कहा है कि सीबीआई ने कि ये गैंग रेप हुआ है और साथ ही साथ बहुत ब्रूटल वे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है उसके बॉडी से मिली है जो शायद एक दूसरे मतलब चीज़ों की तरफ जो है अंदेशा कर रही है, दूसरे चीज़ों की तरफ इंफॉर्मेशन दे रही है. अब देखना यह है कि सीबीआई इस पूरे मामलात को देख रही कब इंसाफ मिलेगा. मेरे पीछे जो सड़क है उस सड़क पे लोग जो है खड़े होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. कई सारे भाई हैं जो अपनी बहन की सुरक्षा को लेकर सवाल कर रहे हैं, जो बेटे हैं वो अपनी माँ की सुरक्षा को लेकर सवाल कर रहे हैं, जो हस्बैंड है वो अपनी बीवी की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछ रहे हैं और जो फादर है वो अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर इस जो है पश्चिम बंगाल में सवाल पूछ रहे हैं. पश्चिम बंगाल में कभी भी ऐसी कुछ घटना नहीं होती थी जैसा कि पश्चिम बंगाल के कल्चर को धूमिल किया जा सके, मगर इस मरतबा जो कुछ हुआ शायद 2013 का जो निर्भया रेप कांड था जो दिल्ली में हुआ वो शायद पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति ने कर पूरे पश्चिम बंगाल के उस कल्चर को तार तार करने की कोशिश की है जिस कल्चर पर पश्चिम बंगाल के लोगों को हमेशा से गर्व रहा है. रजा अंसारी की रिपोर्ट देश नीति के लिए.